बिना भूख के भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खाना खाएंगे जब आप इस तरह से ये लौकी का रायता बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको लौकी का बिल्कुल अलग तरीके से रायता बताऊंगी जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए फिर इसको बनाते हैं झटपट से। इसको बनाने के लिए मैंने ये लौकी ली है, तो मैंने लौकी को पील ऑफ किया और इसको इसी तरह से ही अच्छे से वॉश भी कर लिया था। अब मैं इसको ग्रेट करूंगी, तो आपको ध्यान रखना है लौकी को पहले से ही अच्छे से वॉश कर लेना है आपको, और इसके बाद ही फिर आपको ग्रेट करना है। तो ये देखिए, इसी तरह से ही आपको इसको ग्रेट करना है। तो मैंने सभी को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसको बॉयल करूंगी, तो बॉयल मैंने एक ही सीटी आने तक कुकर में ही इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। एक साइड मैंने एक कटोरी दही लिया, दही घर का ही है, फ्रेश ही है। मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। इसी तरह से ही आपको दही को फेंट के तैयार करना है। अगर आपका दही, जो अभी आप दही लें, वो खट्टा हो तो आप इसमें मलाई या दूध भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने लौकी को एक ही सीटी आने तक बॉयल किया और अच्छे से इसका पानी निकाल लिया है। आपको ध्यान रखना है इसका पानी आप ज़रूर अच्छे से निकाल लें। अब अच्छे से इसको मिक्स भी कर दें। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये लौकी का रायता, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। वैसे तो आपने कई बार बनाया होगा, लेकिन मैं आज आपको कुछ अलग ही तरीके से बता रही हूँ। अब तड़का लगाने के लिए मैंने ये पैन रखा, और इसमें मैंने जिस चम्मच से खाना खाते हैं वही चम्मच से मैंने 2 चम्मच इसमें तेल डाल दिया है। तेल आप सरसों का भी ले सकते हैं, लेकिन तेल अच्छे से ही गर्म करना है। और ये देखिए, मैं इसमें जब तक थोड़े से मसाले डाल देती हूँ। मैंने 1 चम्मच इसमें जो पुदीने का पाउडर है वो डाल दिया है, और 1 चम्मच पिसे हुए जीरे डाल दिए हैं। तो पुदीने का पाउडर तो आप घर पर बना के रख लें, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। और इसमें काला नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर रही हूँ। ये रायता आप गर्मियों में, सर्दियों में, किसी भी टाइम बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करने वाला भी होता है और टेस्टी भी होता है। ये देखिए, तड़के में मैंने 1 चम्मच इसमें जीरे डाले और 1 चम्मच इसमें मैं राई के दाने डाल रही हूँ। तो इनको अच्छे से ही आपको कह सकते हैं काला होने तक ही इनको अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए, और इसमें मैंने 1/2 चम्मच हींग डाल दी है। हींग आप ज़्यादा ही लें, जिससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो 1/2 चम्मच मैंने हींग डाली, और इसको मैं 1 मिनट तक इसी तरह से ही गैस पर रखे रहने दूंगी। और ये देखिए, तड़का तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से ही आपको ये तड़का तैयार करना है। इसमें मैंने 1 लाल मिर्च भी डाल दी थी। बस जैसे ही ये छौंक लगाया या तड़का लगाया, इसको तुरंत ही आप ढक दें। ये देखिए, जिससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू भी आ रही है, पूरा किचन महक चुका है। अब मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। वैसे तो कई लोग हरी मिर्च ऐड करते हैं, लेकिन चिली फ्लेक्स का अलग ही टेस्ट आता है, काफ़ी पसंद आएगा। ये देखिए, इसी तरह से ही आपको ये रायता बनाकर तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका। इसी तरह से ही आपको ये रायता बनाकर तैयार करना है। कोशिश करें आप इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें। तो ये रायता तैयार हो चुका है। इसमें ऊपर से आप हरा धनिया सर्व करें और इसको सभी को खिलाएं। हो ही नहीं सकता कि आपको ये पसंद ना आए। इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है, और ये रायता तैयार हो चुका है। अगर आपको ये पसंद आए, एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो फिर से कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और शेयर ज़रूर कर दें। Thank you.